अभी जिस वीडियो को आपने देखा वो टाटा मोटर्स की एल्ट्रोज कार का था। टाटा मोटर्स ने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में टाटा मोटर्स ने अपनी एल्ट्रोज कार के साथ न्यू i20 पर मजा लिया है। हेलोविंस डे पर टाटा मोटर्स ने इस वीडियो को पोस्ट किया था, जहां पर इस वीडियो में न्यू i20 को एक ट्रिक के रूप में दिखाया गया है। यहां दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से बेहतरीन तरीके से i20 को एक ट्रिक के रूप में दिखाया गया है। i20 को एक ट्रिक के रूप में दिखाने के साथ टाटा मोटर्स ने एल्ट्रोज कार को एक ट्रीट के रूप में दिखाया है। ये दोस्तों पहली बार नहीं है जब टाटा मोटर्स ने अपनी कार का प्रमोशन कुछ इस तरीके से किया हो। एल्ट्रोज को लॉन्च करने से पहले टाटा मोटर्स ने टिगोर को लॉन्च करते वक्त भी होंडा अमेज और मारुति सुजुकी डिजायर पर डिग लेकर खुद को प्रमोट किया था। न्यू हुंडई i20 एल्ट्रोज की तरह ही एक प्रीमियम हैचबैक कार है। न्यू हुंडई i20 इंडिया में 5 नवंबर 2020 को लॉन्च होने वाली है। इस कार की बुकिंग भी दोस्तों इंडिया में शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इस कार को 21,000 रुपीज के टोकन अमाउंट में बुक कर सकते हैं। न्यू हुंडई i20 में एक खास बात यह है कि हुंडई ने इस कार को काफी बड़ा अपडेट दिया है। कार के एक्सटीरियर से लेकर इसके इंटीरियर तक सब कुछ नया है और इसमें न्यू फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। न्यू i20 की एक खास बात यह है कि हुंडई इस कार में सनरूफ को ऑफर करने वाली है। सनरूफ दोस्तों ना ही एल्ट्रोज में देखने को मिलता है और ना ही प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में सबसे बेस्ट सेलिंग कार मारुति सुजुकी बलेनो में देखने को मिलता है। सनरूफ का फीचर इस सेगमेंट में सिर्फ जैज कार में ही देखने को मिलता है। न्यू हुंडई i20 दोस्तों इस साल की सबसे अपडेटेड कार में से एक थी। इस कार का इंतजार दोस्तों अब 5 नवंबर को खत्म होने वाला है। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में टाटा मोटर्स की एल्ट्रोज कार थर्ड बेस्ट सेलिंग कार है। एल्ट्रोज से पहले इस सेगमेंट की सेकंड बेस्ट सेलिंग कार हुंडई i20 है। वहीं दोस्तों बात करें इस सेगमेंट की सबसे बेस्ट सेलिंग कार की तो वो मारुति सुजुकी बलेनो है। न्यू हुंडई i20 से यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यह कार सेल्स के मामले में बलेनो को पीछे छोड़ने वाली है। ये कार दोस्तों ऑलरेडी कई इंटरनेशनल मार्केट्स में सेल के लिए मौजूद है। तो दोस्तों न्यू i20 के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसे ही ऑटो अपडेट के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।